कई लोग होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे और मालूम नहीं कहाँ से हैं। तो अभी यहाँ के जो है केरला के जो है कुछ लड़कियाँ मुझे देख के जब बोल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ब्लॉगर, उन्होंने कहा जो नाइस। समुंदर के जो है करीब आ चुके हैं और यहाँ से जो आपको शायद लहरों की जो आवाज़ें होती है वो भी सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे एच गोड्डा राइडर ब्लॉग पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य मस्त हैं, अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो आज आपके लिए फिर से एक नए ब्लॉग पर दिल से स्वागत है। और हम लोग जो है केरला के अंदर संत एंजेलो फोर्ट आए हैं घूमने के लिए। और इस फोर्ट के बारे में जो पीछे देख रहे हैं ये फोर्ट है, तो इसके बारे में जो है डिटेल्स फोर्ट के अंदर चल के आप सबको बताते हैं। तो अभी हम लोग जो है गेट के बाहर ही खड़ा है, यहाँ पर टिकट काउंटर है, जाएंगे वहाँ पर फर्स्ट जो है टिकट लेंगे। टिकट 25 रुपीज़ का है पर टिकट पर हेड। उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे अंदर, उसके बाद जो अंदर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो ब्लॉग पर बने रहे हैं और जो कोई भी अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो है हम लोग इंटर कर रहे हैं किला के अंदर और आगे गेट पर जो है हम लोग का टिकट चेकिंग होने वाला है। इस तरीके का है, आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन सी वॉल, पीछे आप देख सकते हैं पूरा चेयर का है और पीछे इस तरीके का जो है गार्डन टाइप का बना हुआ है। आई थिंक मुझे मालूम नहीं, बट ये चेयर जो है कुछ फंक्शन या कुछ शो को देखने के लिए जो इस तरह का उस टाइम में लगाया गया था, बट ये जो प्लास्टिक का चेयर है ये बाद में इंस्टॉल किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये अपने एक समय के लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों के लिए ये एक किला था। तो इसका जो है बेसिक डिटेल मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि ये किन्होंने बनवाया था, कब बना था, किस रीजन में बना था, वो पूरा मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूँ। और ये ऐसे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसका साइड में जो है जेल टाइप का बना हुआ प्रिजन जैसा। तो यहाँ से जो हम लोग झाँकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का बना हुआ है और अंदर जो है नारियल है, पत्थर है, पूरा पत्थर रखा हुआ है अंदर पुराना जमाने का। बट ये जो है गेट को ओपन क्लोज करते होंगे इसलिए जो है पूरा रखा हुआ है कुछ इस तरीके का, ऊंची ऊंची दीवारों में दीवारों के साथ बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ ऊपर, वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, चलिए ऊपर घूम के आते हैं, देखते हैं ऊपर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर तो सीढ़ी लगा हुआ है, देखते हैं आप, बहुत ही छोटी सी आई थिंक ये 8 से 9 फीट की जो है ये गेट है। और निकलने के बाद फिर से यहाँ पर सफाई कटिंग करने की काम चल रही है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है मैं आपको एक बहुत ही मेन और बहुत ही खूबसूरत जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ से व्यू आ रहा है पूरा समंदर का। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है बोट लाइनियर इस तरीके का है, किला कुछ इस तरीके का है। तो समंदर का साइड में ही एग्जैक्ट जो है संत एंजेलो फोर्ट केरला स्थित, कन्नूर से, कन्नूर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस समुद्र तट पर जो है ये स्थित है। तो हम लोग और जो है समुद्र के करीब जा रहे हैं और यहाँ से जो है अरबियन सी का भी नज़ारा आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट इधर जो है क्लियर रहने के बाद जो है फूल उसका नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो है यहाँ का किला जो है, अभी यहाँ से किला तो एक्चुअली बहुत बड़ा है, अभी हम लोग 100 में जो है 30% ही कवर कर पाए, अभी जो है काफ़ी कुछ बाकी है। और किले के चारों ओर स्टाफ की जो है खाई सी बनी हुई है। तो आप सबको कोई भी हिस्ट्री देखे होंगे तो पुराने ज़माने में इस तरीके की जो खाई होती थी और ये डायरेक्ट ये समुंदर का पानी इधर से बह के और फिर इधर से निकल के उस पार जो समुंदर बह जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एक इस टाइप का है, दोनों तरफ समुंदर है, बीच बीच में इस टाइप का है। हम लोग जो है लास्ट एंडिंग पॉइंट में जाते हैं, वहाँ से जो है आप सबको दिखाते हैं कि किस तरीके का जो यहाँ से व्यू आता है। समुंदर के जो है करीब आ चुके हैं और यहाँ से जो आपको शायद
लहरों की जो आवाज़ें होती है वो भी सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, ये गेट देख सकते हैं ये क्लोज है। और में आके आप देख सकते हैं कि जो किस तरीके का जो है किला एक समुद्री तट के साइड में खड़ा। किला तो लगभग वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जो अभी किला के एंडिंग छोड़ पा रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ बोर्ड आ रहा है। आप देख सकें कितना अच्छा से जो है नहर आ रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत अभी जो है एंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फॉरेनर्स भी आए हुए हैं और देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर बात हो पाती है तो उनसे पूछेंगे कहाँ से हैं। इतना दूर तक नज़र आता होगा वहाँ तक जो है इंडियन ओशियन है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर कुछ नेवी और हमारे इंडियन नेवी के जहाज़ भी हैं। उसके बाद जो है अरबियन सी स्टार्ट हो जाती है कुछ ही किलोमीटर के अंदर से यहाँ के बाद। किले की जो डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये किला जो है 1505 ईस्वी में बनाया गया था, वो भी पुर्तगाली राजा डॉन फ्रांडिस्को की द्वारा जो है बनवाया गया था। बट जो है ये एक सैनिक पॉइंट था जो सैन एंजेलो फोर्ट, ये बेसिकली जो है फ्रांडिस्को के जितने भी सैनिक थे वो ये एक किला था और इस सैनिक जो है इस किले में रहते थे। बैठे हैं थोड़ा घूम के रेस्ट ले रहे हैं। थोड़ा थक गया तो थोड़ा समुद्र के किनारे जो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जो है अपने बच्चों को मतलब दूध पिलाने के लिए आपको खुले में रहना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ स्पेशल जो है बेबी फीडिंग रूम दिया गया है। यहाँ पर जो है अपने बच्चों को आराम से अंदर जाके जो है दूध पिला सकते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेन का जैसा कुछ बना हुआ है और आप देख सकते हैं कितना लंबा है। और लोग जो है अंदर बाहर हो रहे हैं, इसके अंदर क्या आई थिंक मुझे भी मालूम नहीं, बट लोग जो है अंदर बाहर हो रहे हैं। और हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद थोड़ा सा थक गए हैं। यहाँ पर भी एक गेट था जो क्लोज टाइप का लग रहा है, बट यहाँ से भी लोग पार हो जाते हैं। अंदर क्या है मालूम नहीं, थोड़ा अंदर मैं भी चल के देख लेता हूँ अंदर क्या है। तो ये गली है, गली टाइप का बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर जो है सैनिक रेस्ट के लिए या कुछ फोटो क्लिक कर रहे हैं। अंधेरा भी है, दो टाइप की गैलरी बनी हुई है। चलिए यहाँ से भी फटाफट निकलते हैं, उसके बाद आगे जो है देखते हैं किला के अंदर घूमने के बाद क्या क्या हमको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो है हमको अभी यहाँ के जो है केरला के जो है कुछ लड़कियाँ मुझे देख के जो बोल रहे ब्लॉगर ब्लॉगर है, तो मैंने कहा हाँ ब्लॉगर है। उसने कहा जो नाइस कहाँ से यहाँ पर, वो जो है वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम जो है मेरा कैमरा बंद था। जो है काफ़ी लंबा है, जमीन से थोड़ी ऊपर आने के बाद इस टाइप की जो है बनी हुई है। और यहाँ से जो है समुंदर का व्यू पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा समुंदर का व्यू आ रहा है। ओह अच्छा, किला एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। इसको एग्जैक्टली जो अच्छी तरह से घूमने के लिए आई थिंक आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इस किले को घूमने के लिए। बट काफ़ी खूबसूरत है यार, समुंदर के साइड में जो है काफ़ी ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है और अच्छी सी जो है फील आ रही है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं घूमने के लिए। स्पेशल जो यहाँ पर जो ओनम चल रहा है, ओनम यहाँ की जो सबसे बड़ी फेस्टिवल होती है, तो ओनम के ओनम में काफ़ी लोग जो ऑलरेडी में अभी छुट्टी हैं, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई है। इसलिए हम लोग भी आए घूमने के लिए। यहाँ पर पत्ता बना हुआ है, यह अभी जो है बहुत पुराना है। आपको तो पता है कि 1505 ईस्वी में बनाया गया था ये। और यहाँ से जो है ये एक्चुअली लग रहा है कि ये एक
मालगाड़ी का डब्बा ऐसा कुछ लग रहा है। बस ये दो गैलरी है जो काफ़ी लंबी लंबी है, तो समुंदर की साइड में लगता हुआ है ये किला। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप छोटी छोटी सी जो है बनी हुई है, बट आपको बता दूँ कि ये विंडो नहीं, ये वॉर करने के लिए जो अपने वेपन्स को रख के और यहाँ से जो है जिसमें वॉर किया करते थे। और यहाँ से जो है काफ़ी खतरनाक आ रहा है, बिल्कुल समुंदर जो है यहाँ सज गया है। और यहाँ से जो अभी जो है मैं ऊपर आ गया, जिस दीवार के ऊपर जो है मैं, और साइड से जो देख सकते हैं हर किले के जो चारों ओर खाई बनाई जाती है, जिसमें जो है पानी और पहले के ज़माने में अगर मगरमच्छ सांप ऐसे कुछ रखा करते थे कि यहाँ से जो है कोई भी आसानी से पार ना कर सके, तो इसी के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ से मैं बैक कैमरे करके आपको दिखाता हूँ कि पीछे जो है यहाँ से कैसा दिखता है। मैं कैमरा करके दिखा दिया आप सबको, तो कितना खूबसूरत जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग भी बैठे हैं, और ये आई थिंक बिहारी लोग होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे, और मालूम नहीं कहाँ से हैं। है बा कहाँ अलवा हो? बिहार से है। बिहार से? बिहार से है। बिहार से है। अच्छा बिहार से है, क्या करते हैं? तो इसको थोड़ा नीचे उतर के पीट लेते हैं, क्या करते हैं? तो क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना काम करने के इतना एड्रेस आपको काम क्या करते हैं बताएं? काम क्या करते हैं बताएं? काम होटल लाइन में करते हैं, और क्या करेंगे? मतलब प्लेट नहीं उठाते हैं? प्लेट छोड़ के बाकी काम कर लेते हैं, लेकिन काम वही करते हैं, होटल लाइन में काम करते हैं। जो गैलरी नीचे से मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर जो है दो गैलरियाँ हैं, तो ये वही गैलरी है जो ट्रेन के जैसे दिख रही है, काफी लंबी है, उसको जो है कवर किया हुआ ये पर गेट है। कुछ इस तरीके का ये किला था, किला है, और ये शायद वॉच टावर होगा जो यहाँ से जो है देखा करते थे दुश्मनों को। तो ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि ये बाद में मॉडिफाई हुआ, बट ये नहीं जो है पहले का ही बनाया हुआ है। किले का जो है एक और एंडिंग पॉइंट है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। और यहाँ से जो है वो एंडिंग पॉइंट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कलरफुल दिख रहा है। एक्चुअली जो है वो बोट स्टैंड है, जहाँ से जो है मछली पकड़ने के लिए जाते हैं बोट लेके, वही स्टैंड है। तो वो स्टैंड भी मैं आप सबको किले के ऊपर से आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है वो स्टैंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं। उधर से गिरेगा पक्का, मरेगा। फाइनली जो है मैं किला से अब बाहर आ चुका हूँ, जहाँ से जो है वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पर। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो किला के अंदर हम लोग घूमे और देखे और आप सबको बताया इसका जो जानकारी। एक्चुअली जो है हमारे वहाँ के लोग काफ़ी कम इधर आते हैं, और साउथ इंडियन की जो हिस्ट्रिकल है वो काफ़ी कम पता होता है। तो जहाँ तक होता है और जहाँ तक जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप सबको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अगले नए ब्लॉग को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।